Hi guys, I am Janu Kumar Singh and you are watching Unscripted Engineer. So guys, बहुत दिन हो गए, like 2 months. I know कि 2 months, 3 months से कोई वीडियो आया नहीं है. शॉर्ट्स भी आते थे बीच में, मैंने ब्लॉग्स अपलोड करना स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें भी क्या हुआ कि गुड़गांव में मैं कुछ दिन ही रहा. उसके बाद से फिर मैं जॉब मुझे जब मैं जॉब में थोड़ा प्रेशर आने लगा, सिविल इंजीनियरिंग का जॉब सब मैं बताऊंगा, तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर आने लगा एंड फिर वहां पे मैंने वीडियोस बनाना थोड़ा सा रोक दिया, पॉज कर दिया. उसके बाद फिर मैं सोचा मैं घर कम बैक करूंगा, घर आऊंगा, तब उसके बाद से फिर मुझे इंटर्नशिप लगी. मैं अपने इंटर्नशिप के बारे में बताऊंगा आपको. आई नो कि आप लोग के मन में सवाल होगा कि इतने दिन से देख रहे हैं इस बंदे को, एक ही जॉब के बारे में बताता है लेकिन कुछ बताता नहीं है कि क्या कर रहा है अभी तक. वैसे तो एक ही जॉब के इंटर्नशिप इज लाइक इंटर्नशाला से मुझे मिली है. खुद से मैंने एफर्ट लगाया, खुद से मैंने ढूंढा, डेली मैंने 10-15 मैसेजेस जो अपने अप्लाई होते हैं अप्लाइड करता हूँ, तो उससे होता है, उससे मिला है. एंड बहुत लोग को बहुत क्वेश्चंस होंगे क्योंकि लिंक्डइन पे पूछते हैं, पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं कि ऐसे कैसे होता है. तो इसमें कुछ कुछ हार्ड एंड टफ रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे. फिलहाल तो एक जॉब के बारे में बात करते हैं. एंड आई नो पीछे आप वो देख रहे होंगे कुछ जुगाड़ है ऑन दिस, वी इंडियंस रिलाय, जुगाड़ पे ही रिलाय होना पड़ता है क्योंकि ये रेंट, दिस इज रेंटेड हाउस एंड देयर इज नो मच सेल्फ, नॉट मच सेल्फ इन दिस हाउस, सो दैट्स वाई टू कीप द बुक्स एंड ऑल. सो गाइस, सो यहाँ पे हैकी जॉब का जो ये प्लेटफॉर्म है, तो इसमें मैं क्या कह रहा था कि मैंने अभी शॉर्ट्स अपलोड किया था कल, कि उसमें ये था कि उसमें जो इसका स्ट्रेटेजिक है वो थोड़ा चेंज हुआ है, फोकसिंग ऑन प्लेसमेंट इट्स अपस्किल, सो नाउ इट्स रिप्लेस्ड बाय द अपस्किल एंड लैंड योरिंग. सो अपस्किल पे आपको ये कह रहे हैं कि ध्यान दीजिए एंड एवरीवेयर यू विल सी दैट यू विल सी अपस्किलिंग अपस्किलिंग स्टेप इन द. तो इस अपस्किलिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड दोज हु आर वाचिंग, मतलब जो शेयर भी कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप देख भी रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि आप यहाँ पे अपस्किलिंग के लिए अब आने लगिए. वो टाइम गया जब वो प्लेसमेंट्स एंड ऑल की कुछ कुछ नहीं होता है वो सब, एंड उसके बारे में भी बताऊंगा कि वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही थी, क्या है, कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है इंडस्ट्रीज, क्यों हो रही है इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म, सबके एक रीजंस होते हैं और यहाँ पे इसका अटक जाता है ये साइट. मैं ये चीज देख रहा था एंड मैंने वीडियोस ऑन इसलिए किया, मैं चाह तो मैं सोच रहा था कि ऑफ कर देता हूँ लेकिन इंटरेक्टिव नहीं हो पाता है वीडियो, अगर मेरा वीडियो ऑफ रहा, छोटा सा साइड में दिखता है राइट कॉर्नर पे. सो अब ये फंस गया है. तो ये फंसा वसा कुछ नहीं है, इसमें क्या है कि आप ये पूरे स्टेप्स देख के ही आगे बढ़ो, वो वाला सिस्टम है. तो यहाँ पे आप इस सबको देख लो, चलो आपको भी दिखा देता हूँ. वहाँ है कि जॉब द पोर्टल टूर आपको करा देंगे, लाइव लर्निंग ये सब खुद आके आप यहाँ पे देख सकते हो क्या करना है नहीं करना है. मैं अपने पोर्टल का भी टूर आपको करा चुका हूँ पुराने वीडियोज में, और मैं मुझे पता है कि मुझे फिर से कराना चाहिए क्योंकि पुराने वीडियोज को कहाँ ढूंढते फिरते रहिएगा आप. उसके लिंक्स भी दे दूंगा तो फिर भी ज्यादा कुछ इफेक्टिव रहता नहीं है, ज्यादा लोग उतना प्रेफरेबल करते हैं जो सामने दिख रहा है वही देख लेते हैं. ऐसे देखो, अब ये वीकली चैलेंजेस हो गए, अब मैंने दिखा दिया आपको हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, क्विक डाउट सॉल्विंग क्या होता है, इन सब के बारे में मैं बताया हूँ वीडियोस में, लेकिन मुझे पता है कि फिर से बनाना होगा. मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ. और 450 कंपनीज हायर फ्रॉम एक जॉब या ट्रू, एंड इसमें क्या है कि आप अपने से भी रीच आउट कर सकते हैं दिस कंपनी, दिस इज नथिंग लाइक वैकेंसीज फॉर एवरीवन. सो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि दे ओनली हायर फ्रॉम एक जॉब ओनली. तो बहुत सारे मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्ट आपको आ जाएंगे जब आप एडमिशन लोगे, सो प्लीज कंसल्ट टू मी. स्टिल डोंट ट्रस्ट अस, लिसन टू आवर एलुमनाई. ओके, नाइस नाइस लाइन, स्टिल डोंट ट्रस्ट अस. फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, या सो दिस वन इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, एम आई एलिजिबल, ब्ला ब्ला ब्ला, आई एम ए कॉलेज स्टूडेंट बट नॉट इन फाइनल ईयर. ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रियली हैं कि ये सब इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उनके लिए जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं. एंड आर दे आर स्कॉलरशिप्स, हाँ ऑफ कोर्स होगा स्कॉलरशिप, 15% ओनली 15% मिलते हैं आपको. व्हाट स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल इन ट्यूशन फीस, तो ट्यूशन फीस पे, ट्यूशन फी पे ही मिलता है मुझे लगता है, और किसी एडमिशन फी पे तो नहीं, कोई नहीं देता है. विल आई रिसीव अ सर्टिफिकेट वंस आई कंप्लीट, यस ऑफ कोर्स यू विल रिसीव, एंड मुझे भी एक सर्टिफिकेट मिला है, मैंने ऑलरेडी अपने लिंक्डइन पे पोस्ट कर चुका हूँ उस सर्टिफिकेट को, एंड आप भी जाके देख सकते हैं क्योंकि मेरे हर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक्डइन का लिंक दिया हुआ है प्रोफाइल का, तो आप इजीली वहाँ से विजिट कर सकते हैं. इज देयर एनी रिकमेंडेशन फॉर एनरोलिंग एक जॉब, या देर इज विद 20 मिनट है, व्हाट इज अ पे आफ्टर प्लेसमेंट इनरोलमेंट, तो ये सब आप करो. पे आफ्टर प्लेसमेंट इज मच रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड,
because pay after placement is like you are not investing anything, just you have to sign ISA, income sharing agreement. If you will not get job, then it's okay. You don't have to pay a penny to the institute or any institute, those who are working on pay after placement schemes and all. What is the selection process for pay after placement seats? There's a process, and because I was from upfront fee, and I paid 70,000 around. So 70, but now I think that it's not worth to pay a huge amount, and I'm getting nothing. So I say, and AccuJob courses are free or paid. It's paid, or of course. I can pay tuition fee. Do I have pay? And you don't ask. Please ask the queries in the comment box. So मुझे पता चलेगा ना क्या-क्या queries हैं. Will I get internship? तो internship देखो ये इसका क्या होता है ना कि वो खुद के अपने एक capstone project में काम कराते हैं. वो इसका internship का certificate मिल जाएगा आपको. तो ये सब system, ये सब पता होनी चाहिए आपको कि मतलब क्या होगा. कोई कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं हो. What could be ideal course for a college student to start with zero knowledge? Tech coding. देखो अपने तरफ से तो ये ideal course ही है. बट यू कैन एक्सप्लोर मोर. अभी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इंडस्ट्री में, लाइक AI आ गया है. वेब थ्री के बारे में मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं वेब 3 पे काम कर रहा हूँ पिछले 5 महीने से. सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द वेब 3, कि वेब 3 हाउ इट्स वर्किंग, एंड वेब 3 में किस किस तरीके से लोग गेम्स वाले वेबसाइट्स तैयार हो रही है वेब 3 के ऊपर, टोकन सेलिंग वेबसाइट तैयार हो रही है, क्लाइंट्स आते जा रहे हैं वेब 3 के ऊपर, क्लाइंट्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं. और ये अभी से नहीं हो रहा है, ये मुझे अभी पता है, क्योंकि मुझे पता नहीं था. वेब 3 के ऊपर यूट्यूब पे वीडियोज भी बहुत कम देखने के लिए मिलेगा. कोई तो बोल रहा है कि वेब 3 इज डमी थिंग, मतलब वो फेल हो जाएगा वेब 3, कुछ आगे नहीं बढ़ेगा. कुछ लोग ये बोला कि वेब 3 फ्यूचर है. तो इसमें अभी पूरा चला कॉन्फ्लिक्ट. तो जिस स्टेज पे चलता है कॉन्फ्लिक्ट, उस पर आपको सोच समझ के करना होगा कुछ. तो व्हाट कुड बी द आइडियल कोर्स फॉर ए वर्किंग प्रोफेशनल. तमाम तरह के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. व्हाट इफ आई मिस लाइफ सेशन, ऑफ कोर्स यू विल गेट द. तो ये सब तो क्वेश्चंस मुझे लगते हैं ना कि AccuJob ने खुद से अपनी तरफ से पूरा कर दिया है, कि आपको कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है. आप यहाँ पे आप अपना सारा डाउट क्लियर कर सकते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू. व्हाट रिसोर्सेज टू स्टूडेंट्स गेट ड्यूरिंग प्लेसमेंट सर्विसेज. तो रिसोर्सेज में मतलब ये हो गया कि HR सेशन हो जाता है आपका, मॉक इंटरव्यूज हो जाते हैं, मेंटरशिप हो जाती है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स हो जाते हैं, डाउट क्लियरिंग्स हो जाते हैं, कोडिंग कॉन्टेस्ट हो जाते हैं. या वेरी मतलब बहुत अच्छे से इसको सजा के लिखा गया है, एंड बहुत अच्छी सही चीज़ है ये. हेल्प स्टूडेंट, सच में ये हेल्प करता है आपको. आपको मतलब पता नहीं होता है बहुत कुछ, और आपको फिर एक्सपोजर मिलता है कि चलो ये भी चीज़ होती है, HR से कैसे बात करना है, क्या करना है. तो इसके लिए बहुत हेल्पफुल है जो लोग पहली बार जॉब के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए. तो हाँ, विल आई हैव एक्सेस टू प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी इवन इफ आई डोंट ऑप्ट फॉर प्लेसमेंट सर्विसेज. सो नो. अब ये प्लेसमेंट सर्विसेज क्या है, लाइक इसमें लग रहा है कि अभी मुझे इसमें क्या है कि आपको है ना प्लेसमेंट सर्विसेज के लिए ये लोग कुछ अपना बॉन्ड्स भरवाएंगे. उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, और हमेशा टर्म एंड कंडीशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. एंड मैं इसके बारे में बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो इसमें क्या है ना, आप कितने भी हैं तो बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ है ये सब चीज़. इसमें कोई अपना लॉस नहीं चाहता है, तो वो डिज़ाइन ही किया जाता है टर्म एंड कंडीशन ऐसा कि मतलब कि प्रॉफिट हो, जिसने डिज़ाइन किया है उसी का प्रॉफिट हो, समझ लो आप बस मोटा मोटी. When can I sign up for placement services after completing the course? So you can opt for placement services anytime up to 3 years after completing the course if you have declared the eligibility criteria. So this is the and which companies will I refer to on completing AccuJob course? So ye hiring partners to nahi kahenge, this is not the partners. So isme kuch honest review mere se le lo bhai, kuch hiring partner nahi hai isme. And they are just a company who needs a technical guy. They will take from anywhere. It's not necessary that they will take from AccuJob. So nothing like partner. I have talked to the authority and administration too about this. What is the meaning of hiring partner? So nothing like this. मैं और भी मैं बताने वाला हूँ आपको. How will the mock interviews help? हाँ, मॉक इंटरव्यू से एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अब जो है ये मर्न का कंप्लीट एक मॉक लेंगे, जिसमें नोड भी रहेगा और रिएक्ट भी रहेगा. तो रिएक्ट प्लस नोड का एक मर्न होगा, मॉक होगा. एंड पहले क्या था कि सिर्फ रिएक्ट का अलग होता था, नोड का अलग होता था. तो इन्होंने अब डिज़ाइन किया है कि रिएक्ट और नोड का अलग हो, साथ में होगा, कोलैब करके, और उसमें दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में. उसके बेसिस पे आपको
प्लेसमेंट्स आएगी, आपके जो मार्क्स हैं जो 8 से अबव का क्राइटेरिया है वो आप फुलफिल करते हैं तो आपको प्लेसमेंट्स आएगी। व्हाट इफ आई मिस द लाइफ सेस, सब कवर हो चुका है भाई। एंड आई होप कि आपको मजा आया होगा एंड आपको पता होगा कि क्या करना है। चलो इसमें ऐसे होता है कि पोर्टल पे जाके फिर ऊपर जाना है, आपको आगे क्या करना है, आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज लिंक्डइन विजिट करो, कमेंट्स करो यूट्यूब पे एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट यू। एंड मुझे अच्छा लगता है आप लोगों की मदद करके, एंड देयर इज सरप्राइज फॉर यू टू। इट्स ये तो कोडिंग की जर्नी होगी भाई, एंड मैं इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ, इंटर्नशिप के बारे में बताऊंगा आपको। 625 सब्सक्राइबर आई हैव एंड आई डू वॉन्ट टू लेट देम नो दैट वॉट आई एम डूइंग नाउ एंड हाउ इट्स ग्रोइंग अप। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।